रायगढ़ में फर्जी तरीके से बच्चे के गोदनामा लेने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत बच्चे की मां ने सीडब्ल्यूसी कार्यालय में करते हुए न्याय की गुहार लगाई। दरअसल मुंबई के निवासी मधुकर ठाकुर कई महीनों से लड़के को गोद लेने के लिए तलाश रहे थे। इसी बीच रायगढ़ निवासी लक्ष्मण भट्ट ने अपने मोहल्ले के महेश चौहान को बच्चा देने के लिए राजी करवा लिया, और जब जिला न्यायालय में बच्चे की गोदनामा की प्रक्रिया चल रही थी तो महेश चौहान की पत्नी ज्योति चौहान को लगी, जिस पर उसने आपत्ति जताते हुए रायगढ़ बाल कल्याण समिति में इसकी शिकायत की, जिस पर अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए बच्चे और ठाकुर दंपतियों को काउंसिलिंग के लिए कार्यालय में लाया, जिसके बाद से परिजन पूरे मामले की पूछताछ की गई और आगे की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। बच्चा खरीदने आया था? नहीं, खरीदने आया था ये, मैं आया था बम्बई, यहाँ बम्बई से यहाँ घूमने आया था मैं, तो मेरे जो दोस्त हैं उनको पूछे उनको कि भाई तुम्हारा क्या है नहीं है, तो मैं उनको बताया था कि भाई मेरा एक लड़की है, मेरा लड़का नहीं है, तो खड़ी बता दो कि कोई गरीब का मिलता है तो मेरे को लिखा भरोसा दे दो। तो अभी उनको पूछे हैं, वो पूछे तो वो बताएं कि गरीब का है तुम दे लो। तो मैं यहाँ पे बात किया, देने के लिए चाह रहा था, तो आश्रम में दे रहे थे, तो वहीं जाके पूछे उनको कि भाई ऐसा ऐसा बात है तो मेरे को बता दो क्या है नहीं है। तो ये आके मेरे वहाँ आया है जहाँ मैं रुकता था वहाँ आए और वहाँ बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरा कोई नहीं, मेरी औरत छोड़ के चली गई, मेरे भाई भी नहीं, मेरे पापा भी मर गए हैं, मेरी मम्मी है, फिर मेरी मम्मी जिंदा है, तो एक मिनट, तो फिर वो बताएं कि मेरा ऐसा ऐसा बात है, आप बच्चे को आराम से लिखा पढ़ी साथ में ले लो। तो मैंने लिखा पढ़ी साथ में लिया ले, तो बच्चे को आया परसों लेके, वो प्यार से लेके गया कि मैं मेरी माँ आई है, मेरी बहन आई है, सब कुछ आया, तो आप मेरे बच्चे को दे दो, मैं दिखा के ला देता हूँ, मैं झारखंड से हूँ। अब नहीं दे रहे तो देखिए पेपर में सेंड करा दिया कि मेरे बच्चा नहीं चाहिए, मैं पैसा नहीं था, मैं खुशी से दिया, नहीं 50,000 दिया था खुशी से। अच्छा, तो अभी लोग वापस करेंगे? नहीं, वो तो बोल रहे मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहिए मुझे चाहिए। मेरा पति कहीं और बच्चे को मतलब दे दिया था गोदनामा पे बिना पूछे, फिर मैं जानती थी, मैं अलग रहती हूँ उससे, एक साल हो गए हम लोग को अलग हुए, दोनों बच्चे को मैं रखी थी, शराब पी पी कर आता था और मेरा बच्चा मुझे दे करके बोलता था, मैं उसको बच्चे दे दी हूँ, थाना गए थे, थाना से अलग हुए दोनों बच्चे, लड़की मेरे साथ रहती है और लड़का उसके साथ रहता है, ठीक है। उसके बाद में अब थाना से अलग हो गए, 4 महीने वो रखा है, 4 महीने के बाद में दूसरे को गोदनामा दे दिया है मुझे बिना जानकारी के। आज नहीं, 4-5 दिन पहले पता चला है, ये मेरी देरानी है, ये मुझे बताने आई, मैं जहाँ रहती हूँ ढूंढते ढूंढते आई, बोली कि तेरा बच्चा को कहीं दे दिए हैं, तुझे पता है कि नहीं? तो मैं बोली मुझे तो नहीं पता है, तो ठीक है बोले। फिर हम लोग ऑब्जेक्शन डाले हैं कि बच्चा नहीं देना है, क्योंकि मैं साइन नहीं की हूँ, अब लिखा है उसमें मेरा 3 बच्चा है, जबकि मेरा 2 बच्चा है, एक लड़का एक लड़की। पिता की गलती है? पिता की गलती है सर। सुनूंगा की फैमिली है और महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति है, इसके बीच में लेन देन का ऐसा कुछ मामला आया है, जानकारी मिला था, जिसके बाद से उनको सीडब्ल्यूसी में प्रस्तुत करवाए हैं, और अब देखते हैं आगे, उनसे पूछताछ करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। जानकारी मिली थी कि इलीगल एडॉप्शन किया जा रहा है बच्चे का करके, रायगढ़ के बच्चे को महाराष्ट्र में दिया जा रहा है किसी को, ऐसा करके जानकारी मिली थी, जिसके बाद हमारे विभाग द्वारा कार्यवाही किया गया। क्या क्या कार्रवाई हो सकती है सर इसमें? इसमें देखिए, अभी तो सिर्फ सबसे पहले ये जो एडॉप्शन हो रहा था इसको रोक दिया गया है, दूसरी चीज अभी हम बच्चे को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि बच्चा अभी अपने पापा के पास भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसका पापा ही उस बच्चे को देना चाहता था,